दो साल बाद इस बार दिवाली व्यापारियों की उम्मीद बनकर आई है। धनतेरस पर जयपुर के बाजार पर धन वर्षा होने की उम्मीद है। कारोबारियों को जयपुर में धनतेरस पर्व से 12,000 करोड़ तक के कारोबार की उम्मीद है। सराफा बाजार में भी 300 करोड़ रुपए तक के कारोबार की आशा है। दिवाली का जो त्यौहार है उसमें दिवाली के टाइम पे अधिकतर हमारे चांदी के आइटम्स, गोल्ड के कॉइन्स, ज्वेलरी सभी बिकती है। तो सभी व्यापारियों ने काफ़ी अच्छी नई वैरायटी का स्टॉक इकट्ठा किया है, काम किया है, क्योंकि अभी भाव मध्य थे, व्यापारियों ने काफ़ी माल परचेज किया, काम किया है, क्योंकि आगे सबको शादियों का सीजन है, नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी, उसके हिसाब से तो हम सबको उम्मीद है कि बहुत अच्छा बाजार जाएगा, क्योंकि अभी भी बाजार इस समय रनिंग अच्छा जा रहा है पहले की अपेक्षा, तो आगे भी सीजन के अंदर में व्यापार अच्छा उठेगा। धनतेरस को देखते हुए हम कह सकते हैं कि बाजार के अंदर में अभी से व्यापारियों ने तैयारी चालू कर दी है। नई टाइप की वैरायटी वगैरह के सिक्के हैं, मूर्तियां हैं, इस टाइप के काम है। सराफा कमेटी में नए सिक्कों की लॉन्चिंग कर दी है, नई सारी डाइयां निकाल दी है, सारी लॉन्चिंग कर दी है, तो जल्दी मार्केट में आ जाएंगे एक दो दिन के अंदर में। तो इस बार व्यापार की हम यही कह सकते हैं बहुत अच्छी उम्मीद। इस साल जयपुर के बाजारों में दिवाली के त्यौहार पर रौनक देखने को मिल रही है। ऐसे में उम्मीद है कि लोग धनतेरस पर जमकर खरीद करेंगे और बाजार गुलजार हो जाएगा। पिछले 1.5 महीने से बिजनेस थोड़ा अच्छा चल रहा है और इस बार धनतेरस पे हमें बम्पर सेल की आशा है। जो अभी तक माहौल है और जिस तरीके से डिमांड आ रही है, उस हिसाब से इस बार दिवाली अच्छी जाएगी और व्यापारियों के लिए 2 साल बाद एक्चुअल दीपावली आ रही है, जो अच्छी रहने की उम्मीद है और 100% अच्छी रहेगी जो अभी तक माहौल है। सराफा मार्केट अच्छा चल रहा है और सराफा मार्केट में पिछले कुछ सालों से जो सेल आ रही थी उससे इस बार हमारी 1.5 सेल की उम्मीद है। त्योहार का ये बाजारी उछाल ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भी नजर आ रहा है। इस धनतेरस और दिवाली को इस सेक्टर में लगभग 500 करोड़ के कारोबार की उम्मीद बनी हुई है। पेट्रोल डीजल के दाम के कारण इस सेक्टर से जुड़े कारोबारी इलेक्ट्रिक वाहनों पर भी फोकस कर रहे हैं। तो देखते हुए हमारा जो ऑटोमोबाइल सेक्टर है अब काफी आगे बढ़ रहा है और हमें पूरी आशा है कि पूरा फुल फ्लैश नेक्स्ट मंथ में जो दिवाली बहुत बड़ा त्यौहार आने वाला है, धनतेरस, दिवाली, दशहरा, इस पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो लोग अपनी आशाओं के अनुरूप वाहन खरीदने की जो मंशा रखते थे वो निश्चित रूप से वाहन खरीदेंगे। किस सेगमेंट के वाहन की मांग एकाएक बढ़ी है? हर तरफ डिमांड है, 2-व्हीलर से लेकर 4-व्हीलर तक की, और ज़्यादातर इसमें जो मिडिल जो मीडियम क्लास वाला जो है वो ज़्यादा डिमांड में है। कुल मिलाकर दिवाली के ये पंच पर्व बाजार के लिए खुशखबरी लेकर आ रहे हैं। जाहिर है कि बाजार के लिए ये दिवाली सेल्फ स्टार्ट साबित होगी। ईटीवी भारत के लिए जयपुर से आदित्य आत्रेय की रिपोर्ट।